मैं फेसबुक में देखता हूँ, एक जाकिर नायक नाम का एक शख्स है जो इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं, ठीक है, उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मनु स्मृति नाम की एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है मांस को खाना जायज है, तो ये कहाँ तक सही है, ये क्या सही है, इसके बारे में आप हमें देखता हूँ। एक जाकिर नायक नाम का एक शख्स है जो इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं, ठीक है, उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मनु स्मृति नाम की एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है मांस को खाना जायज है, तो ये कहाँ तक सही है, ये क्या सही है, इसके बारे में आप हमें बताएं। जैसे आपका कोई दोस्त है ना, जी जी, और मांस खाता है, जी, तो आप कैसा व्यंग मारेंगे? आप ये व्यंग मारेंगे, क्यों? बकरा तो खा रहे हो जी, इंसानों को खाना कब से शुरू करोगे? जी जी, इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है। किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सुअर भी खाना हराम है। चतुर्वेदी है और मैं बॉम्बे में 2 साल से एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा तहे दिल से। सवाल मेरा यह है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ और मैं नॉनवेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाई बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है, हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता, हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मेरी तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना, हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल, पूरा हुआ क्या जवाब? शुरू हुआ है। इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है, आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती दर्द होना चाहिए ना, तो पेड़ पौधे को चोट होती आपको दर्द नहीं होता है, कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं, हमारा ये है। इसीलिए मैं कहता हूँ, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, 8वीं गलत फहमी गोश्त के बारे में, मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते है, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूँ, आपका बच्चा गुंगा है, आप उसको चुभोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूँ, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं बोलता हूँ। मैं तो आप भाजीपाला क्यों खाएंगे फिर? भाजीपाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जरासीम जाते हैं आपके जिस्म में, जरासीम जर्म्स जाते, जर्म्स क्यों भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है, आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे, कैसे इंसान है आप? जवाब दो, आप कातिल है? ठीक है, जो नहीं दिखता है उसमें नहीं, ठीक है क्या? ठीक नहीं है, नहीं दिखता है का मतलब अपने ट्रेडिशन को, जैसा हम लोग पैदा होते हैं जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, क्या मैं मानू? नहीं, वही तो मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं थोड़ा मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है, साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होते मत खाइए, साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे कुछ सही कहते थे कुछ गलत कहते थे, जो सही कहते थे उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते उसे छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुतपरस्ती गलत है या सही है? मैं 100% तो उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। गलत है या सही है? फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ।
फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते, आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है, नहीं, 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 आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इसलिए सही है, नहीं, तो ये सही दलील है? नहीं नहीं नहीं, चोरी वो नहीं, मैं कहता हूँ, मैं पूछता हूँ, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूँ इसलिए सही, आप दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है इसलिए हम उसको गलत, आपके किताब में साफ तौर से अहित होता है, किसी का अहित होता है। भाई साहब आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता, इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी पूछ रहे हो, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 घंटे से इधर है, अभी अवेयर नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, सवाल जवाब सुन चुके, इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का उपनिषद का वो मैंने लिखा अभी, अभी माश लिख लिए तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप घर पे जाके तहकी कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकी कीजिए और तर्जुमा पढ़िए वेद का जी, आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए, तर्जुमा के जरिए इंशाल्लाह हिदायत पाएंगे। जी जी जरूर। द आंसर द क्वेश्चन। नाम राकेश रंजन है, मैं कटिहार से हूँ। इस्लाम मेरे जहन में काफी दिनों से है और मैं पीस टीवी कभी कभी देखा करता था और आपसे काफी इंटरेस्ट हूँ। तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इस्लाम कबूल करने पर शाकाहारी को क्या मांसाहारी होना जरूरी है? ये आम लोगों की जहन में। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि इस्लाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होना फर्ज है? नहीं भाई साहब, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। इस्लाम में एक इंसान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, इस्लाम में फर्ज नहीं है। तो मैं तहे दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ माशाल्लाह, और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूँ माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। मूर्ति पूजा गलत है? एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह, आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, आप मैं अकेला हूँ। आप अपने मन से करना चाहते हैं? जी हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? जबरदस्ती नहीं। कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है? रिश्वत किस चीज क्या देगा, पूछ रहा हूँ। जी नहीं। एक बार ऐसा हुआ था पूना के अंदर, माशाल्लाह 19 लोग ने माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया, तो पुलिस जाके पूछी तो डॉक्टर साहब ने कितने डॉलर्स दिए आपको? तो इसीलिए मैं सब लोग के सामने, पुलिस के सामने ही पूछ रहा हूँ, तो हक के बात के लिए डर क्या? तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं, और गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है। फराइज बहुत कम है इस्लाम में, फराइज और हराम बहुत कम है। लोग समझते बहुत चीज फर्ज है। और एक किताब है क्या, 70 मेजर सिन, मैं बड़े गुनाह 70, तो ये 70 चीज में 70 जो मेन फर्ज और हराम लिखा है उसके अंदर, कुल मिला के और हुई है लेकिन मेन ये है। तो इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि गोश्त खाना फर्ज है। लोग को ये गलत फहमी है क्या मुसलमान को गोश्त खाना ही चाहिए। हाँ, इजाजत है, इजाजत वेद में भी है, इजाजत कुरान में भी है। अगर आपको टेस्टी लगता है खाओ, नहीं टेस्टी लगता मत खाओ, आपको अगर पसंद नहीं आता मत खाओ। तो आप अपने खुश आवाज़ से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके और आप जिंदगी भर अगर शाकाहारी भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू। गोश्त खाना फर्ज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, और मैं ऑर्गेनाइज से दरखास्त करूंगा के जितने भी गैर मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर रहे और नहीं भी कबूल कर रहे, सब लोग को हो सके तो इंशाल्लाह तर्जुमा दीजिए कुरान मजीद का और उनको पढ़ने दीजिए। और इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्लाह सुब्हान व तआला से कि आपको और हिदायत दे और इस दुनिया और आखिरत